ये थर्ड पार्टी है क्या चीज यार? बहुत से दोस्तों ने सवाल किया है कि थर्ड पार्टी वर्क इन माल्टा, थर्ड पार्टी क्या चीज है? भाई दोस्तों ने इतना सवाल किया है कि मैंने सोचा कि आपको वीडियो बनाऊं और थर्ड पार्टी के बारे में आप तमाम दोस्तों को एक्सप्लेन करूं। मैं हूं जिशान, माल्टा में रहता हूं 8 साल से और आप तमाम दोस्तों के लिए कोशिश करता हूं कि पॉजिटिव वीडियो लाकर आपके सामने पेश करूं। अच्छा, थर्ड पार्टी जो शो हो रहा होता है, जिन दोस्तों ने वर्क परमिट जमा करवा दिए हैं उनको स्टेटस जो जाता है वो थर्ड पार्टी का शो हो रहा होता है और काफ़ी दोस्त परेशान होते हैं कि नेक्स्ट हमें प्रोसेस का समझ में नहीं आ रही, क्या करें। तो आज आपके भैया बताएंगे कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो एम्प्लॉयर का और आईडी माल्टा का आपस में कनेक्शन है। आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है या आपके वीज़ा इन प्रोग्रेस में है, तो ये सारी चीज़ें जो थर्ड पार्टी तक है, ऑप्शन यहीं तक आपके पास आएगा और इसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सिर्फ वेट कीजिए और उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस 90% एक्सेप्टेंस का ही आएगा कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो गया है। जो रिजेक्शन होती है ज़्यादातर वो अम्बेसी में बीएसएफ के जो बीएसएफ में आप जमा करवाते हैं कागज़, फिर आप कॉन्सुलेट में जाते हैं तो वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, लेकिन आईडी माल्टा से वर्क परमिट इशू हो जाता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कर सकते हैं, अपना भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहा करें, खुश रखा करें लोगों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाएं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।